हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारे छोटे बड़े खूंखार एवं विषैले जानवरों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन हम इस वीडियो में आपको कुछ खतरनाक और विषैले जीवों के बारे में बताएंगे। हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर है कोमोडो ड्रैगन। यह अधिकतर इंडोनेशिया, चाइना और भारत में पाए जाते हैं। आप लोगों ने छिपकलियों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन यह रेप्टाइल प्रजातियों की सबसे बड़ी छिपकली मानी जाती है। यह अधिकांश गर्म और सूखे जगहों पर रहना पसंद करते हैं। इनकी लंबाई लगभग 3 मीटर तक तो बढ़ सकती है। अब तक इन प्रजातियों में सबसे बड़ा ड्रैगन, जिसकी लंबाई 10 फीट और वजन 166 किलोग्राम देखा गया है। अधिकतर वयस्क ड्रैगन 60 से 70 किलोग्राम तक होते हैं। हम आपको बता दें कि यह 20 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकते हैं और पानी में 15 फीट तक तैर सकते हैं। यह अपने भोजन को अपनी ग्रंथियों की सहायता से 5 से 9 किलोमीटर के रेंज में अपने शिकार को ढूंढ सकते हैं। यह मांसाहारी जीव होते हैं। इन्हें पशुओं के सड़े एवं गले मांस खाना पसंद है। इनके पास एक जहरीले दांत होते हैं, जो अपनी ग्रंथियों में अपने जहरीले विष को छिपाए रखते हैं, जो इनके शिकार को मार गिराने के लिए काफी है। हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर है गोल्डन पॉइजन फ्रॉग। यह पृथ्वी के सबसे विषाक्त जानवरों में से एक है। यह उभयचर वर्ग का एक छोटा सा मेंढक होता है। यह अधिकतर कोलंबिया के जंगलों में पाया जाता है। एक वयस्क मेंढक की लंबाई लगभग 55 मिलीमीटर तक हो सकती है। इनके अंदर पेट्रोकोटॉक्सिन नामक एक जहर पाई जाती है। यह जहर अपने मांसपेशियों की संकुचन की निष्क्रिय स्थिति में छोड़ती है। यह अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने जहर का प्रयोग करती है, ना कि शिकार मारने के लिए। यह छोटे चींटियों और कीड़े मकोड़ों को खाना पसंद करती है। लिस्ट के तीसरे नंबर पर है पफर फिश। इनको पुफू भी कहा जाता है। यह भारतीय प्रशांत और अटलांटिक महासागरों में पाए जाते हैं। यह ब्लोफिश और फुगू फिश की श्रेणियों में आते हैं और यह समुद्र के जहरीले जीवों में से एक है। आपको बता दें कि जापान, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों में इनके यांत्रिक अंग जैसे यकृत और गुर्दों को बड़े चाव से खाए जाते हैं। यह दिखने में काफी आकर्षक और सुंदर होते हैं। इनके त्वचा के ऊपर धारदार स्पाइक्स होते हैं, जिनके अंदर टेट्रोडोटॉक्सिन नामक एक जहरीला पदार्थ होता है, जो 30 मनुष्यों को मारने के लिए काफी है। हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर है मोरे इल। यह उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाया जाता है। इसके पास मोटी स्केललेस त्वचा होती है और तेज दांत होते हैं, जो इन्हें परेशान करने पर मनुष्यों सहित अपने शिकार पर गंभीर घाव करने में सक्षम होते हैं। इसको दुनिया के कुछ क्षेत्रों में खाया जाता है, लेकिन इनके मांस विषाक्त और ठीक से तैयार न होने पर बीमारी या मौत हो सकती है। इसकी चचेरी बहन इलेक्ट्रिक ईल खतरा महसूस होने पर 300 से 750 वोल्ट की बिजली का निर्वहन करती है, जो यह अपने शिकारी को मार गिराने के लिए काफी है। हमारे लिस्ट के पांचवें नंबर पर है टेपवर्म्स। यह एक प्रकार का सूक्ष्म कीड़ा होता है, जिसको हिंदी भाषा में फीता कृमि भी कहा जाता है, जिसकी लंबाई 30 फीट तक हो सकती है। संक्रमण टेपवर्म के अंडे या लार्वा से दूषित भोजन या पानी शरीर के अंदर जाने से होता है। यदि टेपवर्म के कुछ अंडे आपके शरीर में चले जाते हैं और आंतों से बाहर तक फैल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में शरीर के अंदरूनी अंगों, ऊतकों और लार्वा सिस्ट घाव बना देते हैं, जिनसे इन्वेसिव इन्फेक्शन आक्रामक हो सकता है। अगर यह एक मनुष्य के शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो यह आंतों में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। यह शरीर में 30 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इनसे लगभग 700 से 1000 इंसानों के मरने की पुष्टि हुई है।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल जीके ज्ञान हिंदी टीवी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।